स्टोरीज जैसे कि रीमा अपने जर्नी की पहली खाना ट्रेन में खाती हुई और इसी बीच सारे हमें घूर के देख रही है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो आज हम बड़ी ही जल्दी जल्दी में हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं घूमने। तो काफी दिन हो गया हमारी वीडियोस नहीं आ रही, तो उसके पीछे का राज है हमारी जाने की तैयारी। हाँ, तो गाइस काफी दिन से हम तैयारी कर रहे हैं और ये देखिए हमारे कुछ बैग पैक तैयार हो चुके हैं और एक आधी और भी है। और रीमा की एक्साइटमेंट देख लीजिए कैसे यहाँ फटाफट लगी हुई है, बहुत ही एक्साइटमेंट है। और हम इस बार आपको मिलाएंगे रीमा के फैमिली के साथ और हम जा रहे हैं रीमा के घर। तो गाइस आप भी जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहना और काफ़ी अच्छे अच्छे पार्ट आने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना करते हुए हम थोड़ा दिखाएंगे ट्रेन में कैसे जाती है और ट्रेन की हमारी कैसी जर्नी होती है। स्टेशन में चलते हैं क्योंकि हमारी ट्रेन ना छूट गई, तो फटाफट जल्दी जल्दी में ही हम भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं स्टेशन में जाके, बाकी रीमा कुछ बोलना चाहती है तो बोल दो। हमारे साथ रहे, तब तक हमारे साथ बने रहे हैं और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तब तक ले लेट्स गो। अभी हम पहुंच रहे हैं स्टेशन में पठानकोट, चक्की बैंक से हमारी ट्रेन है। तो यहाँ पर रीमा देखिए कुछ बड़ा ही कम सा सामान लेके बैठी हुई है, बस एक दो ही है सामान। तो गाइस आपको पीछे बड़ी ही आवाज़ शोर शराबा सुनाई दे रहा होगा, उसका रीज़न है ये चिड़िया। तो गाइस बाकी रीमा से हम पूछते हैं कि उसको कितनी का एक्साइटमेंट है और रीमा को पूछो कि कितने साल बाद जा रही है अपने घर कोविड के बाद। आई थिंक 3 इयर्स हो गए ना, मॉडर्न 3 इयर्स के बाद हम जाने लगे हैं। हाँ, एक्साइटमेंट तो आप मेरे चेहरे पे देखी सकते हो, बीच में एक्साइटमेंट हो रही है इस टाइम। गाइस वैसे तो हमने पिछले साल ही चले आना था बट कोविड के कारण आपको मालूम है कि सारी ट्रेनें टूने सारी रहती। तो गाइस हमारी जो ट्रेन है वो है पूजा, जो कि पठानकोट टेंट से चलेगी आई थिंक 8:05 में। हाँ, 8:05 में ही चलेगी है, पाँच बैग ही है बस, ज़्यादा नहीं है बस। गाइस हमारे बैग इसलिए ज़्यादा हुए हैं क्योंकि कोविड के कारण ना तो ट्रेन में कुछ ब्लैंकेट दे रहे हैं ना खाने का इतना अरेंजमेंट है। और हमारा जो कि एक बैग बन गया है वो है ब्लैंकेट के लिए, जो काला बैग है, और इस बैग में हमने खाने पीने के लिए डाला हुआ है। और ये पॉलीथिन में, ये रात के खाने का, रात के खाने का, इसमें हमने थोड़े बहुत अपने गैजेट डाले हुए हैं और ये बैग में हमने अपने कपड़े डाले हुए हैं। तो बस इतना ही है हमारी ट्रैवलिंग के लिए, बस दो ही बैग होते हैं। चिड़िया लोगों ने बड़ा परेशान किया वहाँ में, काफ़ी देर से चीं 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 कर रही है। तो गाइस हम खुश से बहुत है, फाइनली मैं जा रही हूँ अपने घर। रीमा तो बहुत खुश है। क्यों, आप खुश नहीं है? नहीं मैं इतना खुश नहीं हूँ, मैंने इतना खुश हूँ वहाँ पर। तो हम सारे अपने एक्सपीरियंस आपसे भी शेयर करने वाली है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो गाइस फिलहाल हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और हमारे जो कि ट्रेन की टिकट भी बहुत ही वेटिंग में है, तो इस कारण हमें अभी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है जब तक सीटी ना आ जाए। तो बैठने के लिए तो हमें अभी जगह मिल ही गई है। तो रीमा को इसी के साथ लग रही है बड़ी भूख, तो अभी दिखाते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी चल रही है खाने की। तो ये देखिए। तो गाइस कैसे हो आप सब? तो गाइस करने लगे अपने डिनर और ये देखिए, और घर से हम लेके आए हुए हैं राइस और क्या बनाया हुआ, आलू की सब्जी। हाँ, ड्राई आलू की सब्जी और ये मिक्स वेज और ये है मिक्स वेज सांपुरी और ये पूरी रीमा ने प्रिपेयर की हुई है, पूरी राइस आलू की सब्जी और एक सब्जी मैं बाहर से ले आया था। काफ़ी लोग अभी तो अंधेरे में फिलहाल कुछ दिखाई तो बाहर का देगा नहीं, तो देखते हैं ऐसे कैसे करके हमें आज की रात गुजारनी पड़ेगी। तो चलिए अभी कर लेते हैं हम अपना डिनर। तो गाइस जैसे कि रीमा अपने जर्नी की पहली खाना ट्रेन में खाती हुई और इसी बीच सारे हमें घूर के देख रही है और बिहाइंड द कैमरा ये भी खूब पढ़ने हैं। हाँ, तो गाइस साथ सारी जर्नी को हम शेयर करते जाएंगे और आप सभी के साथ मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को बीच में लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइस चलो मैं भी कर लेता हूँ डिनर और करते हैं कैमरे को बंद।
कल हम इतना शूट नहीं कर पाए ट्रेन में और हमें आते आते काफ़ी टाइम हो गया रात को, और हम पहुंचे थे आई थिंक 3:30, और ये कंप्यूटर फिर बोलना शुरू हो गया, इसके कारण हम व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतने डिस्टर्बेंस पीछे से आ रही है। अलाउंसमेंट की हमारी ट्रेन है पहुँची थी और जहाँ तक उसने आना था वो थी पुरानी दिल्ली, और हमारी जो कि राजधानी ट्रेन थी वो थी नई दिल्ली से, और हम 3:30 बजे पहुँच गए थे पुरानी दिल्ली में। फिर हमने वहाँ से ऑटो करके हम आए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, और डिस्टर्बेंस काफ़ी है पीछे तो इसके कारण सुबह से ब्लॉग कर नहीं पाया मैं। तो फिलहाल अभी तो दिन चढ़ गया हुआ है और अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, और यहाँ पर हम और ये देखिए रीना लगी है यहाँ थोड़ी, ये देखो ऑलमोस्ट मैं यही खेलती हूँ। तो काफ़ी लोग यहाँ पर अपना बोरिया जिस तरह लेके आए हुए हैं और लेटे हुए हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और हम भी बस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी जल्दी से टाइम बीते और हम भी अपनी ट्रेन पकड़ के अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। काफ़ी टाइम हो चुका है हमें, और अभी जो कि हमारी ट्रेन है वो है 4:30 बजे की ट्रेन है, और टाइम हो गया है 12:30 हो गया टाइम, और 4:30 की ट्रेन है। अभी हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके निकल जाएंगे, हमने अभी लंच भी करना है, लंच करते करते लगभग हमें 1.5-2 घंटे लग जाएगी सामान। तो गाइस हमने ये पीछे हमारा सारा ये देखिए लगेज कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, और हमने सारा अपना अरेंजमेंट करके आए हुए हैं, ये देखिए जैसे कि एयर कूलर वगैरह लेके सारा सामान साथ में कैरी किया हुआ हमने। तो काफ़ी हमें मालूम था कि आजकल जैसे कि कोविड के कारण राजधानी ट्रेन में भी मतलब ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं दे रहे, पिलो नहीं दे रहे, और खाना का भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा अभी, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ कैरी करना पड़ गया, और राजधानी में हमें कम से कम 32 घंटे की जो ट्रैवलिंग होगी हमारी राजधानी की, जो यहाँ से 4:30 चलेगी ट्रेन, और आज की डे नाइट और अगले दिन रात को हम जाके पहुँचे के रीमा के घर। तो अभी हम फिलहाल आपको सीक्रेट ही रखेंगे कि हम रीमा के कहाँ पर कौन से घर जा रहे हैं, तो वो अभी हम सीक्रेट ही रहने देते हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।